नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम प्ले करेंगे नागपुरी का बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग और सॉन्ग का नेम है आकाश हिली तो हिली। तो चलिए दोस्तों, किस टाइप से प्ले होता है मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ट्यूटोरियल बताऊँगा ताकि आप अपने कीबोर्ड पर बहुत ही आसान तरीके से प्ले कर पाएंगे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट कौन सा सॉन्ग चाहते हैं आप कमेंट करके नीचे जरूर बताएं फ्रेंड्स। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें वीडियो, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। Thank you.
तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगा आपको ट्यूटोरियल और ध्यान से देखिएगा मेरे फिंगर को, वन बाय वन फॉलो करिएगा, आप डेफिनेटली ही सीख जाएंगे इस आसान से सॉन्ग को। तो फर्स्ट में फर्स्ट लाइन की स्टेप से प्ले होता है, आपने सुना ही होगा ओरिजिनल सॉन्ग को, आपने सुना होगा तो प्ले करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो फर्स्ट में किस स्टेप से प्ले करना है आपको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट में प्ले होता है डुलकीमर टोन, जो कि कुछ इस टाइप से है। फर्स्ट लाइन हो गया, तो आपको किस स्टेप से बजाना है फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, एक भी स्टेप मिस ना करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से लेना है आपको, एक एक करके कितना बार प्रेस हो रहा है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। यहाँ से देखिए, फर्स्ट में फर्स्ट स्टेप होगा ये, थोड़ा सा जूम इन करते हैं फ्रेंड्स ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, एकदम स्लो में बताऊंगा ताकि आप बहुत ही इजीली अपने कीबोर्ड पर प्रैक्टिस कर पाएं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, उसके बाद में फ्रेंड्स और एक बार चले सीखते हैं इसको, बहुत ही स्लो में बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए फ्रेंड्स। तो यहाँ से लेना है आपको फर्स्ट में अपना फिंगर, ठीक है। आई होप कि इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट किस स्टेप से प्ले होता है, इस लाइन को किस टाइप से प्ले करना है ध्यान से देखिएगा। यहां से फिर नेक्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और एक बार चलिए देखते हैं, ये हो गया फर्स्ट लाइन, देन नेक्स्ट, और एक बार चलिए इसको प्ले करते हैं, फर्स्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद में ये म्यूजिक प्ले होता है, उसके बाद में फिर जो आपने फर्स्ट में प्ले किया था वो प्ले करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम, गाने का शुरुआत होता है फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से, ध्यान से देखिएगा और फॉलो करिए। गाने का शुरुआत होता है, कुछ इस प्रकार से शुरुआत होता है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसको किस स्टेप से प्ले करना है। फर्स्ट में फर्स्ट लाइन है, यहां से लीजिएगा आप, ये हो गया। फिर उसके बाद में इस टाइप का प्ले होता है, चलिए और एक बार आपको मैं बताता हूँ। यहाँ से उसमें ब्रेस प्ले होता है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको और एक बार मैं बताता हूँ ताकि क्लियर हो जाए और आपको पूरा टोटली समझ में आ जाए फ्रेंड्स, ठीक है। तो और एक बार देखते हैं, चलिए शुरू से, फर्स्ट स्टेप हो गया, देन सेकंड लाइन, इस टाइप से प्ले करना है। चलिए और एक बार देखते हैं इसको ताकि क्लियर हो जाए, नेक्स्ट, उसके बाद में, इसको
उसको स्लो में किस स्टेप से प्ले करना है। स्टेप से प्ले करना है फिर ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारा म्यूजिक की ओर, जो कि जस्ट इसके बाद में प्ले होता है, कुछ इस टाइप से प्ले होता है। तो ये लाइन को क्लियर करते हैं अपन फर्स्ट में, ठीक है। तो यहां से लेना है आपको फर्स्ट स्टेप, कर्ण स्वर इसमें प्ले होता है। इस स्टेप से आप अपने कीबोर्ड पर प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट और है, नेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। वन फिंगर में आपको बताता हूं, चलिए उसके बाद नेक्स्ट म्यूजिक प्ले होता है। देखिए इसको किस स्टेप से आपको प्ले करना है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए और फॉलो करिए। यहां से करना है आपको, ठीक है। और एक बार चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, और एक बार चलिए वन फिंगर में, इसका नेक्स्ट लाइन है, एक म्यूजिक प्ले होता है, इस प्रकार से म्यूजिक प्ले होता है। तो किस स्टेप, थ्री फिंगर का यूज करना है इसमें फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, थ्री जो ये है, ये वन टू थ्री, इस स्टेप से। इस स्टेप से आपको प्ले करना है अपने कीबोर्ड पर, ठीक है। तो इसको इसके बाद में इस स्टेप से प्ले करना है, द नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ जाना है। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके बाद में प्ले करना है आपको नेक्स्ट लाइन, जो कि फ्रेंड्स इसको मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। तो बीच में इसको प्ले करना है और उसके जस्ट बाद में प्ले करना है। ये वाला फ्रेंड्स प्ले करना है, जो कि मैंने फर्स्ट में ही बता दिया, इसको बीच में यूज करना है। देन इसके बाद में आप प्ले करेंगे जो आपने प्ले किया था, आकाश से लेकर इस स्टेप से, उसके बाद आई होप फ्रेंड्स आपको पूरा
इसका जो ट्यूटोरियल है वो समझ में आ गया होगा, और आई होप कि आप सीख गए होंगे और प्रैक्टिस करिए अपने कीबोर्ड पर बार बार। और इसी टाइप से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और नेक्स्ट कौन सा सॉन्ग चाहिए फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।